Hello students, in this lecture we are going to study the dual nature of radiation and matter. As we know that the radiation, that means a light, as we know that the radiation, that is light, have a wave nature. Till now we know that radiation, that is light, have a wave nature. For this we have studied the reflection, refraction and many more phenomena which state that light have a wave nature. But in this chapter we are going to study a phenomena that is called photoelectric effect, and this phenomena can be explained only when we consider a light as a particle nature. जब हम लाइट को पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं तभी हम कुछ ऐसे फिनोमिनास एसोसिएटेड हैं लाइट से जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े, चाहे वो हमने लाइट पढ़ा, लाइट रे ऑप्टिक्स पढ़ा, चाहे हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा, या आपने वेव ऑप्टिक्स अभी नहीं पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि लाइट वेव नेचर शो करती है. लेकिन लाइट का पार्टिकल नेचर हम यहाँ पे देखेंगे, किस किस तरह की लाइट जो है एक पार्टिकल नेचर शो करती है, और पार्टिकल नेचर को ही कंसीडर करते हुए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. इस इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को क्या मिला था, एक नोबेल प्राइज मिला था. ऐसे ही सिमिलरली हम मैटर को अगर देखें तो मैटर, अभी तक जो भी हमने फिजिक्स की स्टडी की है उसमें हमने मैटर को समझा है कि मैटर क्या है. मैटर एक पार्टिकल नेचर शो करता है. कोई भी मैटर हो सकता है, वो पार्टिकल नेचर शो करेगा. न्यूटोनियन फिजिक्स में यही देखा गया है. लेकिन अब हम देखेंगे कि जो मैटर है, मतलब कोई भी पार्टिकल है, वो जो है जब मूव करता है, जब वो मोशन में आ जाता है, तो उससे एसोसिएटेड एक वेव जनरेट हो जाती है और वो मैटर वेव नेचर को भी शो करने लगता है. तो इस चैप्टर में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को हम पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मूव करता है, जैसे कि यहाँ पे डेविनशन एंड जर्मन का जो एक्सपेरिमेंट है, जर्मन का एक्सपेरिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन पे किया गया और दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन भी जब मोशन करता है तो वो डिफ्रैक्शन फिनोमिना को शो करता है. बट CBSE ने इस ईयर डेविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है सिलेबस से हटा दिया है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे. तो ये याद रखिए कि मैटर है, जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर ही ले लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर तो शो करता ही है, साथ साथ जो जब मोशन में आ जाता है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव आ जाती है जो है वेव नेचर शो करने लगता है. इसका मतलब है पार्टिकल नेचर एज वेव नेचर, इन दोनों को हम कंबाइंड वे में एक थ्योरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कि किस तरीके से पार्टिकल नेचर कोई चीज अगर कंटेन कर रही है तो उसके पास वेव नेचर आ जाएगा जब वो मोशन करेगी. और ये किसने बताया था, ये डी ब्रॉगली ने बताया था. जिस तरीके से लाइट के पास वेव नेचर है तो वो पार्टिकल नेचर शो करती है, तो इसी तरीके से डी ब्रॉगली ने सोचा कि अगर कोई मैटर है वो भी वेव नेचर शो करना चाहिए. जब एक वेव पार्टिकल नेचर शो कर रही है तो जो पार्टिकल है, जो कि मैटर है, वो भी वेव नेचर शो करेगा. तो उन्होंने स्टडी किया और दिखाया कि हाँ, पार्टिकल भी अगर मोशन करने लगे तो वो वेव नेचर शो करेगा. अब कब वेव नेचर वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, कब वो वेव नेचर हमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करेगा, मतलब कब हम उसे देख सकते हैं, कब नहीं देख सकते, वो बात की बात है. लेकिन ये याद रखिए, कोई भी पार्टिकल है तो वो मोशन में है तो वो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है और वो वेव नेचर को शो करने लगता है.
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो लाइट हैज पार्टिकल नेचर, ये तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब लाइट को एक पार्टिकल नेचर मानते हुए हम ट्रीट करें तभी हम बता सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले लाइट को, लाइट का जो सबसे पहला मॉडल दिया गया था दैट इज कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट विच इज गिवन बाय न्यूटन इन 1675 में। न्यूटन ने सबसे पहले लाइट को कहा था कि वो कॉर्पस्कुलर है, मतलब वो पार्टिकल नेचर पे एक उन्होंने थ्योरी दी थी जिसको कहा गया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन ये ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स थे, अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। और उसके बाद आ गए हमारे हाइगंस, और हाइगंस ने बताया कि लाइट वेव है और उन्होंने इससे एसोसिएटेड बहुत सारे फिनोमिनाज एक्सप्लेन किए, इसलिए जो न्यूटन्स की थ्योरी थी उस समय एक्सेप्टेबल नहीं हुई। और यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सब लाइट की वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रहे थे और हाइगंस ने उसको अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया, इसलिए मान लिया गया उस समय कि लाइट क्या है, लाइट इज अ वेव, लाइट क्या है, एक वेव। उसके बाद लेकिन 1905 में जब एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा गया, जब एनालाइज किया गया और देखा गया कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लाइट को जब वेव मानते हैं तो उसकी थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर से यहाँ पे हमने लाइट को पार्टिकल नेचर मानते हुए इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तब से माना जाने लगा कि लाइट भी क्या है, पार्टिकल नेचर शो करती है, वेव नेचर तो शो कर ही रही है तो लाइट क्या करती है, पार्टिकल नेचर शो करती है। और यहीं पे हमारे मैक्सवेल आ गए और मैक्सवेल ने इसको पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को एसोसिएट कर दिया, तो वो तो अलग की बात है। तो क्या है, लाइट वेव नेचर भी शो करती है एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी शो करती है। इस पूरे चैप्टर में हम पार्टिकल नेचर मानते हुए पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, What is photoelectric effect? तो देखिए यहाँ पे अगर कोई एक मटेरियल ले लिया जाए, सपोज कर लीजिए एक मेटल सरफेस ऐसे यहाँ पे कंसिडर की जाती है, तो जो ये हमारा मेटल सरफेस होता है, मेटल सरफेस जो होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल सरफेस क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं। कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर वेरी लूजली बाउंड, वो बहुत लूजली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। और जैसे ही इस पे कोई रेडिएशन आके फॉल होता है, रेडिएशन मतलब लाइट, लाइट जब इस पे आके फॉल होती है तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, हाई फ्रीक्वेंसी क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी दैट मीन्स एनर्जी ज्यादा होगी, लो वेवलेंथ की लाइट होगी एस सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई, लो वेवलेंथ की लाइट होगी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब एक सफिशियंट एनर्जी की जब लाइट इस मेटल सरफेस पे फॉल होती है दैट मींस हाई एनर्जी की लाइट जब इस पे फॉल होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को अगर हमें समझना है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो उसको समझने के लिए हम लाइट को मानते हैं, लाइट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। जैसे न्यूटन ने बताया था अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी में कि जो लाइट है वो छोटे छोटे बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है और उन्होंने उसको कॉर्पस्कल्स कहा था, कॉर्पस्कल्स कहा था, वैसे ही यहाँ पे लाइट को पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स, और यही जो पार्टिकल हैं, जो फोटॉन्स हैं, यही लाइट में एनर्जी के सोर्स होंगे। और इन्हीं फोटॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, दैट इज वेव पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स या क्वांटा,
एंड दीज फोर नेम्स इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट. लाइट जो आती है इन्हीं के फॉर्म में ट्रैवल करती है. दीज आर द, कह सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो एनर्जी के सोर्स है लाइट में, और इन्हीं का नाम अलग अलग दिया गया है. तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में फोटॉन्स का यूज करेंगे. ठीक है. द मास ऑफ फोटॉन्स इज नॉट डिफाइंड इन द सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स. न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फोटोन का मास हम डिफाइन नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन यह है कि रेस्ट मास जो होता है फोटोन का वो जीरो होता है. रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो. मतलब क्या है? मास नहीं है तो उसका कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है. मास जीरो तो एनर्जी जीरो. मास इक्विवेलेंस रिलेशन आपने पढ़ा होगा, एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन. तो जब मास जीरो हो गया तो एनर्जी भी उससे जीरो हो जाएगी. तो इसलिए फोटोन का रेस्ट में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है. वो हमेशा जब मूव करेगा, और फोटॉन्स जो होते हैं वो लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल करते हैं, दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करते हैं. एंड फोटॉन्स आर न्यूट्रल. वो न्यूट्रल होते हैं इन नेचर. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. जो उसमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में जो पार्टिकल होता है, जो सोर्स होता है एनर्जी का, वो फोटॉन है. और ये फोटॉन की कुछ प्रॉपर्टीज है. आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स है यहाँ पे. फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर. ईच फोटॉन के पास एक डेफिनेट एनर्जी होती है, और वो डेफिनेट एनर्जी एसोसिएटेड होती है उस फोटॉन के फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ लैम्डा पे. डेफिनेट एनर्जी एज वेल एज डेफिनेट मोमेंटम होता है. और एनर्जी जो होता है इस फोटॉन का, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लैम्डा. तो ये वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड होता है. और इसका जो वो होता है मोमेंटम होता है, दैट इज एच अपॉन लैम्डा. डी ब्रॉगली ने बताया कि कोई भी फोटोन हो जिसका वेवलेंथ लैम्डा हो, उसका मोमेंटम पी इज इक्वल्स टू होगा एच अपॉन लैम्डा. जहां पे एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.626×10⁻³⁴ जूल सेकंड होती है. अब यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जाते हैं. तो लैम्डा को अगर आपको कैलकुलेट करना है फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ फोटोन, किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ फोटोन में अगर आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इस एनर्जी, इस रिलेशन का अगर आप यूज करें तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. एनर्जी इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा. लैम्डा को अगर आप नैनोमीटर में निकालेंगे तो एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. मतलब अगर लैम्डा निकालना है नैनोमीटर में किसी फोटोन की एनर्जी से एसोसिएटेड, तो हो जाएगा 241240 अपॉन ई. लेकिन ई किसमें होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तब हमारा लैम्डा किसमें निकलेगा? नैनोमीटर में यहाँ पे निकलेगा. एंड दिस इज अप्रॉक्सिमेट रिजल्ट. ये एक अप्रॉक्सिमेट रिजल्ट है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है. तो अप्रॉक्सिमेट आंसर आपको यहाँ पे आसानी से शॉर्टकट के फॉर्म में मिल सकता है. याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं. अब हम बात करते हैं कि कोलिजन. ऑल कोलिजन्स बिटवीन फोटोन एंड मैटर पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक. मतलब क्या है? ये मैटर पार्टिकल है, जहाँ पे ये फोटोन आके ऐसे फॉल करेगा और यहाँ पे कोलाइड करेगा, तो जो फोटोन यहाँ पे कोलाइड करेगा और जो यहाँ पे कोलिजन है, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन भी यहाँ पे होल्ड करेगा, एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी यहाँ पे होल्ड करेगा. दो तरीके के कोलिजन हमने 11th में पढ़े थे, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली नॉट इलास्टिक. तो परफेक्टली इलास्टिक में हमारा काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं. तो याद रखिए, जो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटोन का कोलिजन होता है विद मैटर पार्टिकल, ये जो होता है ये हमेशा क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है. 7th पॉइंट क्या है? ऑन इंक्रीजिंग. दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए. यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% होते हैं. अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे. अगर यहां से बनेंगे पहले, यहां से नहीं बनेंगे तो कहीं से बनेंगे. ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, याद रखिए, इंटेंसिटी. ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब जो लाइट जो फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है उसकी इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करें, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस
बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डज नॉट चेंजेस। याद रखिए, नंबर ऑफ इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन इनकी एनर्जी ये इंक्रीज नहीं हो रही है। When we increase the intensity, means number of photons जो fall कर रहे हैं उस material पे वो increase हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ each photon की energy क्या change हो रही है, नहीं, each photon की energy change नहीं हो रही है। तो energy of each photon is not associated with intensity. Intensity only explains that number of photon जो fall कर रहे थे, अभी 10 गिर रहे थे तो intensity अगर मैंने double की तो क्या गिरने लगेंगे, 20 गिरने लगेंगे, लेकिन अभी भी एक photon उठाओगे तो उसकी energy उतनी ही होगी जितनी पहले थी। ठीक है, तो I think I'm clear। आगे बढ़ते हैं, ejection of electron from metal surface, और इसी से associated है हमारा एक term, that is work function। और ये टर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये वर्क फंक्शन का टर्म है ये भी क्या है, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है और बहुत जगह ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टर्म आया है, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की, ये पोटेंशियल की यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.9 × 10⁻¹⁹ और ये कन्वर्ट हो जाता है जूल में, जो कि एनर्जी की यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से क्या करते हैं, डिवाइड। याद रखिएगा, वर्क फंक्शन को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली मेजर करेंगे। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर मेटल सरफेस, तीन तरीके से यहाँ पे इजेक्शन हो सकता है। नंबर वन, सबसे पहला तरीका है थर्मियोनिक इमिशन, मतलब अगर किसी मेटल को हीट कर दिया जाए, इसको हीट कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, हीट करोगे तो इसे एनर्जी सप्लाई करोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी गेन करके क्या हो जाएंगे, यहां से इजेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इजेक्शन को हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन, इस तरीके के एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनको हम थर्मियॉन्स कहते हैं। दूसरा तरीका है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है, किसी भी मटेरियल को, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से वहां डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है और वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, तो इस तरीके के एमिशन को हम कहते हैं फील्ड एमिशन। और जो थर्ड एमिशन का टाइप है वो जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, या इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कब होता है, जब किसी मेटल सर्फेस पे हम कोई रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, कोई भी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं, तो ये इसे क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और ये किसके, फोटॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से निकल रहे हैं, फोटॉन्स, एक फोटोन आएगा एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और ये निकल जाएगा, दूसरा फोटोन आएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस तरीके का जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम देखेंगे कि वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है। तो तीन तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, और जो थर्ड तरीका है ये इलेक्ट्रॉन एमिशन का, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो सपोज कर लीजिए वर्क फंक्शन हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, व्हाट इज वर्क फंक्शन। तो क्या कोई भी रेडिएशन आएगा, कोई भी रेडिएशन यहाँ पे आएगा और इलेक्ट्रॉन उसके लिए निकल जाएगा, नहीं, ऐसा ट्रू नहीं है। इलेक्ट्रॉन हर एक फोटॉन्स के लिए एमिट नहीं होता है, वो उन्हीं फोटॉन्स के लिए एमिट होगा, उन्हीं फोटॉन्स के लिए एमिट होगा जिनका एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी से थोड़ा सा ज्यादा या उसके इक्वल होगा, और उसी को कहते हैं हम वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन From a metal surface
इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सपोज कर लीजिए जो एनर्जी है फोटोन की वो ई है, और ये अगर लेस देन है किससे, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से। जो फोटोन की एनर्जी है जो यहाँ पे फॉल हो रहा है, उसकी एनर्जी जो वर्क फंक्शन है इस मेटल का उससे कम है, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो ये एनर्जी है फोटोन की ये वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हाँ, इस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। तो देख लीजिए वर्क फंक्शन एक सिंपल से डिफिनेशन दी गई है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस। मेटल सरफेस टू मेटल सरफेस जो वर्क फंक्शन है वो अलग अलग होता है। किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन कुछ और होगा, किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन कुछ और होगा। तो ये जो एनर्जी है फोटोन की जो ये मटेरियल को प्रोवाइड कर रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल से अगर बराबर है या उसके ग्रेटर है तो उस केस में यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अगर एनर्जी कम है रेडिएशन की, जो फोटोन यहाँ पे फॉल कर रहे हैं वर्क फंक्शन से, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक देखने को आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। अब अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें कि वर्क फंक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो देखिए वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। अगर आपने सिल्वर लिया है, अगर आपने कॉपर लिया है, अगर आपने एल्यूमिनियम लिया है, तो कौन सा मेटल लिया है उसके नेचर पे हमारा वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। अगर हम सप्लाइड एनर्जी, मतलब जो एनर्जी रेडिएशन जो फॉल कर रहा है मेटल पे, अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होता है, ठीक है, वर्क फंक्शन से ज्यादा होता है, ये नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात इसलिए है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे अगर एनर्जी जो सप्लाइड एनर्जी है रेडिएशन के थ्रू या फोटॉन्स के थ्रू, अगर वो ज्यादा है वर्क फंक्शन से, तो हो सकता है, चांसेस हैं कि जो है फोटो एमिशन वहां पे हो, फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, लेकिन जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट ऑफ द मेटल सरफेस। जरूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट 100% ट्रू। हो भी सकता है कि ना भी हो, इलेक्ट्रॉन मे कम आउट, ठीक है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर आए और हो सकता है ना भी आए, गारंटी नहीं है इलेक्ट्रॉन एमिशन की, याद रखिए, इट इज नॉट 100% गारंटी दैट व्हेन अ फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस एंड दैट फोटोन हैव अ एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल, कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकले ही निकले। हाँ, चांसेस हैं कि निकलेगा, हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि निकलेगा, लेकिन यहाँ याद रखिएगा 100% गारंटी नहीं है। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, सब चीज को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम बेसिक्स पढ़ते आ रहे हैं, अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट यहाँ पे करेंगे। तो चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आइंस्टीन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सपोज कर लीजिए एक मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन कभी कभी W से इसे कहा जाता है या कभी कभी इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों तरीके से यहाँ से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी फॉल हो रही है, लेट ई इज ग्रेटर देन फाई, वर्क फंक्शन से वो ज्यादा है, वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा है, तो क्या होता है, जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसका एक पार्ट वर्क फंक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री करने में वर्क फंक्शन में यूज होता है, और जो बचा हुआ एनर्जी है वेस्ट इन कोलिजंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से तो कोलाइड करते हुए निकलेगा ना, तो छोटा सा पार्ट कोलिजन में यूज होता है, और जो बचा हुआ पार्ट है, अभी भी एनर्जी अगर बच जाती है, यहां से एनर्जी दी गई है, थोड़ा पार्ट इसमें यूज हुआ वर्क फंक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में, और वेस्ट हुआ कोलिजन में, और अभी भी जो एनर्जी थोड़ी बच जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी में वो यूज करता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी से वहां से निकलता है।
दिस इज इक्वेशन। लेकिन हम यहाँ पे ये जो वेस्ट इन कोलिजन है इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, हम आइडियल कंडीशन मानेंगे कि कोलिजन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, हम ये कंडीशन यहाँ पे मानते हुए चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ये जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम मैक्सिमम का केस यहाँ पे मानेंगे। इट इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है, इट इज पॉसिबल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये किसी भी हम एग्जैक्ट के लिए नहीं बता सकते। जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो एनर्जी बच जाएगी वर्क फंक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के बाद, वो सारी के सारी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी। तो हम उस इलेक्ट्रॉन को मानेंगे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आगे की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिए बहुत बहुत बुक में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, इसके लिए ये इक्वेशन डिफाइंड है, क्योंकि हम यहाँ पे कोलिजन की कंडीशन नहीं मान रहे हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इक्वेशन क्या बनी, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा ई माइनस फाइव। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी, ये जो एनर्जी है जो सप्लाई किया गया है फोटोन से, अगर उस फोटोन की वेवलेंथ हम लैम्डा मान लें तो उसकी एनर्जी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है h न्यू, न्यू के फॉर्म में भी किसी किसी बुक में लिखा होगा, और इसको लिखा जाता है h c अपॉन लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ये हो गया, फोटोन है तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो ये इक्वेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इट रिलेट्स द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी गिवन बाय रेडिएशन टू द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं फोटोन जो है वो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है एमिटेड इलेक्ट्रॉन को, वो है एच सी अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइंड है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस टर्म को हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा था अगर एनर्जी लेस देन है फाइव से वर्क फंक्शन से तो कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पे फोटो एमिशन हो, लेकिन अगर एनर्जी ग्रेटर है या इक्वल है वर्क फंक्शन के तो चांस है, 100% गारंटी तो नहीं है लेकिन चांस है कि यहाँ पे एमिशन हो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे जैसे किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है वैसे वैसे उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है किसी फोटोन की, क्यों, क्योंकि एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है h न्यू, एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू। तो मान लेते हैं अभी मैंने न्यू वन फ्रीक्वेंसी का लिया और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 है, लेकिन फिर भी ये लेस देन है फाइव, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया एनर्जी बढ़ी अभी भी लेस देन है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी के लिए जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क फंक्शन के लिए बराबर हो जाएगा, एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन, और उस केस में हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होने लगेगा उस फ्रीक्वेंसी को, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन वहां पे इजेक्ट होने लगेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगेगा उस फ्रीक्वेंसी को, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है विच मे कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मे कॉज है, जरूरी नहीं 100% ये मैं बता के चल रहा हूं, विच मे कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हम जानते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए क्या होना चाहिए, E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव होना चाहिए। E क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो फोटोन की एनर्जी है उसको लिखें तो h न्यू, तो न्यू क्या है, न्यू इक्वल टू फाइव अपॉन h, ये हो जाएगा। तो न्यू मिनिमम क्या हो जाएगा, न्यू मिनिमम होगा फाइव अपॉन न्यू मिनिमम, ये देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू या बराबर या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा जो है फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, तो वो कौन सी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जब बराबर का साइन पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यू नॉट।
ठीक है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब वर्क फंक्शन को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं एंड दिस वर्क फंक्शन कैन बी रिटन एज एच न्यू नॉट, जहां पे न्यू नॉट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करेगा, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो अब जो हमने फोटो इफेक्ट में जो आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ी थी के मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाइव, इसको हम चेंज कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अगर जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो उसकी एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू। और अगर मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो उसका वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट। और ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दी जाए तो के मैक्स हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट और दैट विल बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो आसानी से ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट किया जा सकता है। हम मान लेते हैं कि ये जो के मैक्स है, हम मान लेते हैं के मैक्स को मतलब काइनेटिक एनर्जी को अगर हम वाई एक्सिस से प्लॉट करें और जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है ये न्यू, न्यू को अगर हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें तो जो ग्राफ आएगा वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी के फॉर्म में आएगा। तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसकी इक्वेशन जो हमने बनाई है ये ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं, मतलब ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी के पे हम प्लॉट करने जा रहे हैं ग्राफ को। फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किससे रिलेट करती है, एनर्जी से। फ्रीक्वेंसी किससे रिलेट करती है, एनर्जी से। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगा, मतलब अगर एनर्जी को हम इंक्रीज करें, इफ वी इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और इनडायरेक्टली इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तब क्या होगा, इसमें जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन वो किस तरीके से वैरी करेगा वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास ये है। तो ये वाई एक्सेस है, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी न्यू ले रहे हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो जहां पे वाई हमारा जीरो होगा, वाई यहाँ पे अगर जीरो पुट कर दीजिए, मतलब वाई मतलब के मैक्स जीरो होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। मतलब एट इन द केस ऑफ, किसके केस में, हमारा जब क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेगा लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। मतलब जब हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, तो ये जो होगा, दिस इज द इंटरसेप्ट, This is the intercept on y-axis. मतलब x zero put कर दो, तो y is equals to क्या आ रहा है? ये intercept आ रहा है। और ये intercept क्या है? देखिए h nu naught. तो ये h nu naught क्या था? हमारा ये work function था। मतलब this is the work function. ये जो होगा, ये क्या होगा? हमारा work function आएगा। और जो इस graph का slope होगा, theta, जिसको हम कहते हैं tan theta, वो किसको represent करेगा? प्लैंक्स कांस्टेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। एनालॉगस एनालॉजी बिठाने की कोशिश करिए। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी
जब हमारी निगेटिव होगी। तो भैया बताओ, काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव पॉसिबल है? काइनेटिक एनर्जी निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो उसमें कोई भी एमिशन नहीं होगा। कोई भी एमिशन होगा? कोई भी एमिशन नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे, इस फ्रीक्वेंसी के नीचे, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर हम ऐसे जाएंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ हमारा कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। मतलब इस ग्राफ के लिए काइनेटिक एनर्जी निगेटिव है। बिलो दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हम ऐसे पीछे जाएंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ तक के लिए निगेटिव है। और काइनेटिक एनर्जी अगर निगेटिव है तो कोई भी एमिशन यहाँ पे नहीं होगा। और इस ग्राफ के लिए फॉरवर्ड ऐसे जाओ आगे, तो इस ग्राफ के लिए, इस सेक्शन के लिए पॉजिटिव है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके ऊपर है हम, तो इस केस में एमिशन होगा। That means kinetic energy positive, तो emission होगा। Kinetic energy negative, emission नहीं होगा, क्योंकि kinetic energy negative possible ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे at threshold frequency emission होगा, लेकिन kinetic energy क्या होगी? Zero। मतलब सारी की सारी जो आपने एनर्जी दी फोटोन से, वो सब इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में ही यूज हो गई और खत्म हो गई। तो kinetic energy को क्या मिलेगी? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ये ग्राफ और अच्छे से इसको एनालाइज किया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। जैसे हमने बात की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, वैसे ही हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सिंस हमारा एनर्जी की अगर हम बात करें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फ्रीक्वेंसी। तो हम जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे थे, तो एक मिनिमम वैल्यू हमें मिली थी फ्रीक्वेंसी की एच नॉट, जिसपे हमारा फोटो एमिशन हो रहा था। ओके? लेकिन सिंस फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट जो होगा, मतलब न्यू जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब हमारा फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा जिसके लिए एमिशन हो रहा है, तो हमारा वेवलेंथ मैक्सिमम होगा जिसके लिए एमिशन हो रहा होगा। इस मैक्सिमम वेवलेंथ को, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और फोटोन विच कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जैसा कि कंडीशन हमें पता है, E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। इसको वेवलेंथ के टर्म में लिखें तो HC अपॉन लैम्डा हो जाएगा, तो लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू HC अपॉन फाइव। मतलब एक सर्टेन वैल्यू से लैम्डा अगर ये है ये, तो इससे कम होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? वेवलेंथ कम होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो इससे कम होना चाहिए, दैट मींस एक लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज्यादा अगर वेवलेंथ हुआ तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। और वो जो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू HC अपॉन फाइव। दैट मींस कि हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दिस मैक्सिमम वेवलेंथ जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, उसको हम वर्क फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी? दिस एच अपॉन फाइव इज नथिंग बट अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन न्यू नॉट। तो याद रखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ वर्क फंक्शन एज वेल एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन को हम फिर से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में लिख सकते हैं, एंड वर्क फंक्शन फाइव विल बी एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, एंड लैम्डा जो होगा वो, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखना है, तो दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। तो ये जो इक्वेशन मिली है, इसका ग्राफ हम फिर से प्लॉट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा वर्क फंक्शन फाइव, वो जो इक्वेशन थी आइंस्टीन की, वही वाली क्वेश्चन यहाँ पे यूज की गई है। ये है हमारा वर्क फंक्शन फाइव, एंड दिस इज वेवलेंथ लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट फोटोन। तो ये एनर्जी है किसकी? फोटोन की। इसमें हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और वही ग्राफ, सिंपल ग्राफ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, वही वाला ग्राफ अगर देखें तो यही वाला ग्राफ है। इसको इस तरीके से प्लॉट कर दिया जाएगा। अब इस केस में फिर से जो स्लोप है, स्लोप यहाँ ध्यान दीजिए, ये स्लोप इस केस में
एच सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लैंक कांस्टेंट एच को नहीं, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एच सी को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्राफ किसमें प्लॉट किया गया है, 1/λ, ये जो 1/λ है यहाँ पे, 1/λ इसको क्या लिया गया है, एक्स लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है किस एक्सेस पे है, ये x एक्सेस पे, दैट मींस 1/λ वाली एक्सेस पे है। तो जब 1/λ आप 0 पुट कर दोगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा, और जो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है, जिसके लिए सॉरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, जिसके लिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, x एक्सेस पे क्या 0 होता है, y, तो काइनेटिक एनर्जी जब आप 0 पुट कर दोगे तो ये लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। और इस केस में जो यहाँ पे वेवलेंथ होगी दैट विल बी अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और जो यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा दैट इज एस सी अपॉन लैम्डा, और ये जो इंटरसेप्ट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ दैट मटेरियल। तो ग्राफिकल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए, और क्या पार्ट ग्राफ में कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे ये एक यहाँ पे टच करता है, जिस पॉइंट पे ये ग्राफ, यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है इसके करस्पॉन्डिंग जो ये 1/λ0 होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लैम्डा नॉट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक ग्राफ दिया गया है, ध्यान से देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाएं, द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, ध्यान से, बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत अच्छे समझना है, द इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट वो इंक्रीज करेंगे, जो नंबर ऑफ फोटोन अभी 5 पढ़ रहे थे इंटेंसिटी पे, तो अगर इंटेंसिटी आपने डबल कर दी तो नंबर ऑफ फोटोन डबल हो जाएगा, उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा, लेकिन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन स्टिल सेम रहेगा। मतलब एनर्जी क्या रहेगी, स्टिल सेम रहेगी ईच फोटोन की, हेंस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। ऐसा क्यों हो रहा है, नंबर ऑफ फोटोन किसी सरफेस पे धड़ बढ़े जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले 10 गिर रहे थे, अब 20, 50, 100 गिरने लगे, फिर भी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी वैरी नहीं कर रही है, ऐसा क्यों है, जबकि फोटोन गिरते जा रहे हैं। तो याद रखिए, एक फोटोन जो आता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन को 4-5 फोटोन आके एनर्जी देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन आके एनर्जी देता है, और एक फोटोन की एनर्जी इंटेंसिटी बदलने पे नहीं बदल रही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बदल रहे हैं, वो डबल ट्रिपल 4 times 5 times हो रहे हैं, लेकिन ईच फोटोन की एनर्जी सेम होने की वजह से ईच फोटोन जो एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा वो उतनी ही एनर्जी दे रहा है जितनी पहले दे रहा था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी अभी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। तो अगर ग्राफ पूछा जाए आपसे यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कैसा ग्राफ होता है, तो भैया इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाओगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे 5 जूल है तो वो 5 जूल ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होता है वो ये होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, इसलिए वो चेंज नहीं होती है, ऐसे पैरेलल लाइन यहाँ पे मिलेगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ भी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा ईच फोटोन की एनर्जी पे, और मैंने बताया था ईच फोटोन की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपने बढ़ा दी या वेवलेंथ कम कर दिया, क्योंकि एनर्जी इज एच सी अपॉन लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या तो आप वेवलेंथ घटा दो, वेवलेंथ घटाने का मतलब ही है कि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, क्योंकि लाइट की स्पीड में तो कुछ कर नहीं सकते,
तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो या वेवलेंथ कम कर दो तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे रहा है फोटोन वो भी बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उसकी डिपेंडेंसी किस पे है? जो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा। वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये डिपेंडेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्क फंक्शन है किसी मटेरियल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना दिया गया है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 4 फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट अ लैम्डा नॉट। क्या है ये? लैम्डा नॉट है। तो लैम्डा नॉट में रिलेशन क्या बताया था वर्क फंक्शन के साथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का? दैट इज फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, और फाई क्या है? इट इज अ वर्क फंक्शन, एंड वर्क फंक्शन इज नथिंग बट एनर्जी। और मैंने आपको रिलेशन बताया था कि अगर एनर्जी दी जाए और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पूछा जाए तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे। फाई इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्डा किस में आएगा? नैनोमीटर में। कब? जब हमारा वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है। इस तरीके से रेशियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सपोज कर लीजिए दो मेटल सर्फेस है, एक ये है एक ये, और दोनों केस में वर्क फंक्शन सेम है। दोनों मेटल सेम है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। यहाँ पे वर्क फंक्शन फाई, यहाँ पे भी वर्क फंक्शन फाई, लेकिन जो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ अलग अलग है। यहाँ पे 248 नैनोमीटर है, यहाँ पे 310 नैनोमीटर है। तो बताइए अगर इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी U1 है, मतलब वेलोसिटी U1 है, और इसकी वेलोसिटी U2 है, तो बताइए वेलोसिटीज का रेशियो अगर दे दिया जाए, वेलोसिटीज का रेशियो अगर यहाँ पे दे दिया जाए तो इनके वर्क फंक्शन का रेशियो क्या होगा? सपोज कर लीजिए वेलोसिटी का जो रेशियो है U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू 2:1 है, इनका रेशियो दे दिया गया, तो बताइए इनका वर्क फंक्शन का, वर्क फंक्शन तो सेम ही होगा, वर्क फंक्शन बताइए क्या होगा, या काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछी जाएंगी। तो याद रखिए हम किसका यूज करेंगे, हम सीधे सीधे इस इक्वेशन का यूज करेंगे। कौन सी? आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, जो वो देता है फोटोन माइनस वर्क फंक्शन फाई। इसका यूज करेंगे और चीजों को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आसानी से आप इसका वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, U1 अपॉन U2 का स्क्वायर हो जाएगा, और वो रेशियो हमें गिवन है, HCSC कैंसिल हो जाएगा, और ये रेशियो है तो यहाँ पे यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चीज को रेशियो में हम सॉल्व करते हैं तो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। तो ये वर्क फंक्शन फाई किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि हमने वेवलेंथ किसमें पुट की है? नैनोमीटर में। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, जल्दी पढ़ते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर हम बात करें कितना टाइम लगता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने में कितना टाइम लगता है? सपोज कर लो ये सरफेस है ऐसे, यहाँ पे लाइट गिरी, फिर गर्म होगा मेटल, फिर गर्म होगा, फिर क्या उसके बाद निकलेगा? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद? ऐसा नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुरंत निकलते हैं। इट इज अ इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन। इंस्टेंटेनियस फिनोमिना का मतलब है लाइट गिरी नहीं कि फोटोन गिरा नहीं कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। तुरंत लाइट गिरेगी और तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना होगा तो निकलेगा, नहीं निकलना होगा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस फिनोमिना है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। मतलब सारे फोटॉन्स के लिए कहो कि इलेक्ट्रॉन निकले, सपोज कर लो सारे फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, कहो कि सारे फोटॉन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करें, तो ऐसा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, इट इज अ चांस, प्रोबेबिलिटी है,
यहाँ पे हर एक फोटोन के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, किसी के लिए निकलेगा, किसी के लिए नहीं निकलेगा, लक बाई चांस है, वो हम नहीं जज कर सकते किसके लिए निकलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे फोटो करेंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल की। व्हाट इज फोटो करेंट एंड व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? भैया जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके लिए जो करंट होती है उसी को हम कहते हैं फोटो करंट, उसी को हम क्या कहते हैं फोटो करंट। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है उसके लिए अगर हम रिवर्स पोटेंशियल लगा दें वो निकलना बंद हो जाए तो उसी को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखते हैं क्या है डायग्राम, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है। सपोज कर लीजिए ये कैथोड है, ये हमारा एनोड है। यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये मटेरियल पे हो रहा है, मतलब हम रेडिएशन यहाँ पे फॉल करा रहे हैं, मतलब लाइट क्या कर रही है यहाँ पे फॉल हो रही है और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और यहाँ से फोटो करंट आगे, फोटो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ भाग रहे हैं ऐसे। अभी आगे की तरफ भागेंगे इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, वेरिएबल बैटरी यहाँ पे हमने लगा दी। ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो एनोड, ये एनोड हो गया जिसको हम कलेक्टर कहते हैं और ये एमिटर हो गया क्योंकि यहाँ से एमिट हो रहा है, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है इस मटेरियल पे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये एमिट कर रहा है तो इसको हम कैथोड मान लेंगे क्योंकि निगेटिवली कनेक्ट किया गया है बैटरी से। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको खींच लेगा और यहाँ पे करंट इस तरीके से फ्लो होने लगेगी जो सर्किट में फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होती है उसको हम कहते हैं फोटो करंट। ठीक है, तो फोटो करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप पूछा जाए कि फोटो करंट किसकी वजह से है, यहाँ पे कौन जनरेट कर रहा है फोटो करंट, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वही फोटो करंट यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे क्या किया जाता है, जैसे ही यहाँ पे लाइट हम इंसिडेंट करते हैं तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं आगे की तरफ, कहां से, कैथोड से आगे की तरफ यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो अगर हम यहां पे एनोड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई ना करें तो क्या होगा, यहां पे एक स्पेस चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन तो निकलते जा रहे हैं तो क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन का एक स्पेस जनरेट हो जाएगा, मतलब एक ऐसा स्पेस जनरेट हो जाएगा जहां पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये जो कैथोड है, कैथोड यहां से अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो रिपल्शन फील करेंगे। क्या फील करेंगे? रिपल्शन फील करेंगे। तो स्पेस चार्ज क्या कहा गया है, द नेगेटिव चार्ज इन रीजन बिटवीन कैथोड एंड एनोड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज्यादा नंबर में यहाँ पे निकलने लगते हैं, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर में फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलने लगते हैं, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तो कैथोड और एनोड के बीच में यहाँ पे एक स्पेस चार्ज डेवलप हो जाता है जिसको, जो किसकी वजह से जनरेट होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे जनरेट होता है। अब क्या होगा, अब हम अगर पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करें कहाँ पे, एनोड पे अगर पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज किया जाए विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, पॉजिटिव पोटेंशियल अगर इंक्रीज किया जाए ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड एनोड। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और फोटो करंट इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब एनोड और कैथोड के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या कर सकता है, फोटो करंट को इंक्रीज कर सकता है by accelerating the electrons, that is photo electrons between cathode and anode, उनको accelerate कर देगा और जल्दी से electron पहुंच जाएंगे anode पे और current बढ़ जाएगा। लेकिन क्या बढ़ता जाएगा, हमेशा बढ़ता जाएगा? नहीं भैया, हमेशा नहीं बढ़ता जाएगा। क्या होगा, ये एक time saturation level को पहुंचेगा,
मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को पहुंचेगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन इस फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल में थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, सब निकल चुके हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा? इलेक्ट्रॉन क्या उसे कोई दे रहा है? नहीं, वही से निकल रहा है, मटेरियल से ही निकल रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच चुके होंगे और करंट एक सैचुरेशन लेवल को पहुंच जाएगी। उस केस में जो फोटो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी। उस केस में फोटो करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर बात करें कि फोटो करंट का डिपेंडेंसी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है। अगर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक बढ़ेगी, उसके बाद ये सैचुरेटेड वैल्यू को गेन कर लेगी। तो इसका ग्राफ अभी आगे चल के हम देखेंगे कैसा ग्राफ इसका बनता है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर हम बात करें कि व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक रिवर्स पोटेंशियल होता है। मतलब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को यहां आने से रोकना है, स्टॉप करना है। तो इफ वी अप्लाई अ नेगेटिव पोटेंशियल, किस पे? नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड। अभी तक हम पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहे थे, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन को। अब अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे अप्लाई कर दें एनोड पे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड बाय एनोड। अगर यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल था एनोड पे, यहाँ पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे थे। अगर यहीं पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जाए एनोड पे तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। और जब इसको रिपेल करने लगेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या एनोड तक पहुंचेंगे? हाँ पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या सारे पहुंच जाएंगे? नहीं, वही फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो अप्लाइड नेगेटिव पोटेंशियल है उसको डोमिनेट कर सके, वही पहुंचेंगे, बाकी सब नहीं पहुंचेंगे। मतलब फोटो करंट जैसे जैसे अप्लाइड पोटेंशियल जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है वो हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फोटो करंट धीरे धीरे कम होती रहेगी, लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल। और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो अप्लाइड पोटेंशियल है ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारी फोटो करंट जीरो हो जाएगी। फोटो करंट जीरो होने का मतलब ये है कि उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड को, मतलब मटेरियल को छोड़ के एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा है, एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस केस में करंट हमारी क्या हो जा रही है? जीरो हो जा रही है। दैट इज इफ वी अप्लाई अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड बाय एनोड, फोटो करंट विल डिक्रीज ऑन फर्दर इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल, अ सिचुएशन अराइव्स व्हेन नो इलेक्ट्रॉन कैन रीच एनोड। और उसी पर्टिकुलर पोटेंशियल को, उसी पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसके लिए जो फोटो करंट है वो जीरो हो जाती है, एंड फोटो करंट बिकम्स जीरो। तो इसी को डिफाइन किया गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल को, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड विच कैन जस्ट स्टॉप द फोटो करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए ग्राफिकल एनालिसिस देख लेते हैं किस तरीके से फोटो करंट और पोटेंशियल को हम किस तरीके से यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ग्राफ बनाया गया है ग्राफिकल एनालिसिस से, किसका? फोटो करंट, फोटो करंट आईपी, और जो पोटेंशियल है एनोड पे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव पोटेंशियल है। यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया गया है, जैसे जैसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल को बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके वो सैचुरेटेड हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, सपोज कर लीजिए निगेटिव पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं निगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं,
तो ये देखिए यहाँ पे करंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये करंट क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू पे जो पोटेंशियल होता है इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल से आगे जब पोटेंशियल को हम राइज करते हैं निगेटिव डायरेक्शन में ही या पॉजिटिव डायरेक्शन में राइज करते हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसे पोटेंशियल को बढ़ाया तो यहाँ पे करंट बढ़ी, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद आप कितना भी पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ा दो, सपोज कर लो यहाँ भी पोटेंशियल था, अब चाहे जितना भी पोटेंशियल आप बढ़ा दो अब करंट नहीं बढ़ेगी, ऐसे कांस्टेंट रहेगी। क्यों? जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, जितना ये जनरेट कर सकता था वो जनरेट कर चुका है, अब वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, तो ये सैचुरेशन वैल्यू ऑफ फोटो करंट को ये रीच कर जाता है। अब वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हमने मान लिया कि ये कैथोड है, एंड इट इज अ कैथोड, एंड यहाँ एनोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं और निगेटिव पोटेंशियल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं किस तरीके से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। वाइल मूविंग फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन को वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वर्क्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव एक पोटेंशियल अप्लाई किया है, और निगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है तो जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता है दो प्लेट में, तो ये दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर लगेगा फोर्स, और फोर्स के अगेंस्ट, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो इसको वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क करना पड़ेगा वो कहां कहां से वर्क करेगा, उसके पास क्या है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो दैट काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके पास, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी यूज्ड इन वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, जो वर्क डन होता है किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस में, सपोज कर लो यहाँ पे V नॉट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट, और इसके बीच में कोई चार्ज मूव करा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके लिए जो वर्क डन होगा दैट इज Q इनटू V नॉट। तो K max equals to क्या हो जाएगा, E into V naught, where V naught is a stopping potential, तो V naught is equals to क्या हो जाएगा, that is K max upon E, क्या हो जाएगा, K max upon E, और यहां से हम work function, sorry, stopping potential का एक equation generate कर सकते हैं using the Einstein equation, यहां पे इसको generate कर सकते हैं, तो इसको देखिए यहां पे क्या करना है हमें, ये देखिए K max equals to ये हो गया है E V naught, where V naught is a stopping potential, तो V naught क्या हो जाएगा, V naught हो जाएगा K max upon E। अगर आपको कहीं भी अगर आपको stopping potential निकालना है तो उसको हम किससे relate करेंगे, हम maximum kinetic energy of electron से relate करेंगे, maximum kinetic energy of electron से represent करेंगे, उस electron की भी kinetic energy से relate करेंगे जिसकी kinetic energy maximum होगी। तो by Einstein's equation K max क्या होता है, K max होता है E minus phi, तो V naught equals to क्या हो जाएगा, V naught K max की जगह पे put कर दीजिए, K max की जगह पे यहाँ पे put कर दीजिए, that is E minus phi, तो V naught equals to हो जाएगा E minus phi upon E। अगर E की वैल्यू देखें तो E is nothing but energy of incident photon, अगर उसको put कर दें nu के टर्म में फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा h nu upon E minus phi upon E। वेवलेंथ के टर्म में अगर पुट कर दें तो वेवलेंथ के टर्म में ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसके टर्म में ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो आप चाहो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो न्यू का, और आप चाहो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, जैसा ग्राफ वहां पे ड्रॉ किया गया था अभी पिछले केस में वैसा ही ग्राफ आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हो। यहां पे 1/λ के फॉर्म में ग्राफ ड्रॉ किया गया है, तो 1/λ जो आप यहां पे देख रहे हो, this is 1/λ, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, this is stopping potential versus 1/λ graph, तो यहां पे जो slope होगा that is hc upon e, ये slope हो जाएगा, ये हमारा इस particular point पे stopping potential, stopping मतलब threshold wavelength का केस आएगा, और यहां पे जो इसका slope होगा that is phi upon e।
ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको दे दिया जाएगा और ये वैल्यूज दे दी जाएंगी और आपसे यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पूछ लिए जाएंगे। तो इसी तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं किसका ग्राफ, न्यू वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपने रिलेशन देखा था, अभी आपने रिलेशन देखा था, यहाँ से इस रिलेशन का यूज करके हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो स्लोप अभी तक ये है एस सी अपॉन ई है, अब स्लोप यहाँ पे हो जाएगा एच अपॉन ई, और जो इंटरसेप्ट था फाइव अपॉन ई वो फाइव अपॉन ई रहेगा, फाइव अपॉन ई रहेगा बस, और सारी चीजें वही हो जाएगी। और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट हो जाएगा बस, और ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये ग्राफ दोनों आप ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वी नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा एंड फाई, मतलब जो हमारा वी नॉट है, वी नॉट का मतलब है कि वी नॉट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। वी नॉट डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा एंड वेवलेंथ लैम्डा पे डिपेंड करेगा, जैसे कि इक्वेशन में आप देख रहे हो। ऑन इंक्रीजिंग द इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज करें, द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, विच इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे लेकिन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, याद रखिएगा, ठीक है। जब इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन जो बढ़ रहा था, जो सरफेस को अभी चार नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो रहे थे तो अब आठ होने लगेंगे। पहले चार इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो निकल रहे थे, हम 100% मान लेते हैं, तो अब आठ इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, उन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। और जब नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगी। तो याद रखिए, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट बढ़ती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बट एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज स्टिल सेम, हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ नहीं रही है तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, नहीं, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। चाहे कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट आप डाल दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा कुछ ग्राफ आपको बुक में देखने को मिलेगा जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पे हम फॉल कराएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, करेंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं विद डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी। तो इन डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए जो फोटो करंट है वो अलग अलग है। देखो, इसके लिए फोटो करंट ये है, इसके लिए फोटो करंट की सैचुरेशन वैल्यू ये है, इसके लिए की फोटो करंट की सैचुरेशन वैल्यू ये है। मतलब इंटेंसिटी को जब हम बढ़ा रहे हैं तो फोटो करंट बढ़ रही है, हर के लिए इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो करंट बढ़ेगी, बट वी नॉट सबके लिए, देखो वी नॉट वी नॉट वी नॉट सब के लिए वी नॉट क्या है, सेम है, क्योंकि वी नॉट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वी नॉट के मैक्स पे डिपेंड करता है और के मैक्स चेंज नहीं होता है जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वेव नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं। वेव नेचर ऑफ, हमने लाइट को देख लिया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हमने देख लिया, एज वेल एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देख लिया। अब हम वेव नेचर ऑफ मैटर की अगर बात करें तो वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में किसने कहा था, किसने बताया था ये सब चीजें, ये बताया था हमारे डी ब्रोगली भाई साहब ने। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जब लाइट पार्टिकल नेचर था, लाइट पार्टिकल को हम प्रूव कर सकते हैं, लाइट पार्टिकल है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना को शो कर सकता है। लाइट वेव है उसको हम पार्टिकल मान सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना के लिए, तो क्या हम पार्टिकल को वेव नहीं प्रूव कर सकते, क्या पार्टिकल वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया, नेचर ऑफ सिमेट्री,
नेचर में सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अगर हमारी लाइट जो है वो वेव है, पार्टिकल नेचर शो कर रही है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल है वो भी वेव नेचर शो करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और माना इफ लाइट इज अ वेव एंड हैव पार्टिकल नेचर, हेंस मैटर इज अ पार्टिकल, शो इट्स ऑल्सो, सो इट्स ऑल्सो शो अ वेव नेचर। लेकिन कब? एक पर्टिकुलर कंडीशन बताई उन्होंने। ऐसे नहीं है कि हमेशा पार्टिकल हमेशा वेव नेचर वो शो करने लगेगा। जब वो मोशन में होगा, जब वो मूविंग स्टेट में होगा, भागने लगेगा, तब उसके पास वेव नेचर आ जाएगा। तो उन्होंने कहा एवरी मूविंग पार्टिकल, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। और इसके लिए इनको डी ब्रोगली को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, बस इतना कहने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिल गया। नहीं, कुछ काम किया था। देखिए, सपोज कर लीजिए एम मास का कोई पार्टिकल है, वो वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? पी इज इक्वल टू एम वी होगा। और इसी मोमेंटम को रिलेट करते हुए उन्होंने वेवलेंथ दी इस पार्टिकल की, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहां देखिए, इन्होंने पार्टिकल नेचर, मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल का। इन्होंने पार्टिकल नेचर और वेवलेंथ किसका होता है? लाइट का, मतलब वेव नेचर का। तो डी ब्रोगली ने क्या किया? वेवलेंथ मतलब वेव नेचर को पार्टिकल नेचर से जोड़ दिया, एसोसिएट कर दिया, कि कोई पार्टिकल अगर भागने लगा, दौड़ने लगा, तो उसके पास जो मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम के कारण इसके पास एक वेवलेंथ होगी, और वो वेवलेंथ होगी एच अपॉन पी। और इस वेवलेंथ को कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। तो क्या है, सबके लिए वैलिड है? सबके लिए वैलिड है। ये फोटॉन्स के लिए वैलिड है, इंसान के लिए भी वैलिड है, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए ये ज्यादा वैलिड है, क्योंकि उसमें इतनी वेवलेंथ हमें मिलती है कि उसको हम डिटेक्ट कर सकें। हैवियर मासेस के लिए इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि उनके केस में जो वेवलेंथ आता है वो बहुत छोटा होता है, जैसा कि यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया गया है। आप आसानी से इनका कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम देखें वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू निकल के आती है 7.33 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हम बहुत ज्यादा उसके लिए कैलकुलेट करें, तो जब मास बहुत ज्यादा यहाँ पे आ जाएगा, सपोज कर लो 1 kg 2 kg आ गया, तो ये वेवलेंथ 10^-34, 10^-24, 10^-30 ऐसे निकल के आएगा, जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हैवियर मासेस के लिए इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनका मास बहुत कम होता है, 10^-31, 10^-27, उनके लिए ये ट्रू है, उनके लिए ट्रू है, उनके केस में सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है जिसको आप आसानी से मेजर कर सकते हो। तो इन द टर्म ऑफ, अभी तक तो हमने इन द टर्म ऑफ मोमेंटम देखा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये अगर इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर देखना है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। तो यहाँ पे पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2mk, और पी को लिख सकते हैं √2mk। तो यहाँ पे अगर p की जगह पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2mk पुट कर दिया जाए, तो ये वेवलेंथ को हम काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएट कर सकते हैं। कभी कभी आपको काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, कभी कभी कुछ और दिया होगा। तो यहाँ पे याद रखिए, जो हमारा यहाँ पे डिपेंडेंसी आ रही है मास पे, वो क्या आ रहा है? अंडर रूट के साथ आ रही है। अगर दो पार्टिकल हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनका जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन m1। मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो क्या हो जाएगा? अंडर रूट m2 अपॉन m1 किया जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिलेशन है। ओके, अब केस 2, यहां पे अगर देखा जाए, चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया, ठीक है, इन टर्म ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ना दे, कभी कभी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट दे देगा, कभी कभी सपोज कर लो काइनेटिक एनर्जी ना दे, अगर काइनेटिक एनर्जी ना दे किसी पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट कर रहा हो, तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लोगे?
आसानी से निकाल लोगे। किसी भी चार्ज को अगर किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करोगे, सपोज कर लो बी पोटेंशियल से, पोटेंशियल डिफरेंस बी जो है यहाँ से एक्सेलरेट कर रहे हो, तो वर्क डन कितना होगा, क्यू इंटू बी, और यही वर्क डन जो होगा वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर होगा। तो दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी क्यू बी। अब जहां काइनेटिक एनर्जी था यहाँ पे, उसकी जगह पे क्यू बी यहाँ पे पुट कर दीजिए, आसानी से ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में आ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूले है, लेकिन ये तो फॉर्मूला है इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, लेकिन इसका यूज हम नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी से कैलकुलेशन करना होता है, वहां पे इतना ज्यादा भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं करना होता है। तो क्या निकल के आता है, लैम्डा का फॉर्मूला निकल के आया था दिस, इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, एच अपॉन टू एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी, दिस इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बी। तो जो यहाँ पे एच एम ई ई ये सब कांस्टेंट है, इसका जब कैलकुलेशन किया गया तो देखा गया लैम्डा के, लैम्डा ई फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ निकल के आती है वो ये निकल के आती है 150 अपॉन बी, और जब इसको सॉल्व किया गया 150 का स्क्वायर रूट, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। अगर V को हम वोल्ट में रखेंगे, अगर हम V को वोल्ट में रखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग V इज अ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये याद रहे, V क्या है हमारा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, इट इज नॉट अ काइनेटिक एनर्जी, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। तो उस केस में लैम्डा हमारा एंगस्ट्रॉम में आएगा, जब हम V को किसमें रखेंगे, वोल्ट में रखेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V। तो यहाँ पे 12.27 अपॉन अंडर रूट बी, एंड दिस इज अ डी ब्रॉकली वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड विद अ पोटेंशियल बी इन वोल्ट, तो ये एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ निकल के आएगी। अब डी ब्रॉकली वेवलेंथ इन गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं, मूव करते हैं, जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को, जो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, एंड ये जो के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है उसके टर्म में हम एक्सप्रेस करते थे एफ बाई टू के बी, क्योंकि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी होती थी दैट इज हाफ के बी टी। अगर यहाँ पे एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एफ बाई टू के बी टी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन हम सबके लिए नहीं देखेंगे, मोनो ट्राई बाई ये सब नहीं देखेंगे, सिर्फ हम मोनो एटॉमिक गैस के लिए देखेंगे, जहां पे एफ इक्वल टू 3 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है, तो उसके लिए के काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2 के बी टी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब आप पुट करोगे तो रिजल्ट कुछ इस निकल के आएगा कि जो वेवलेंथ है डी ब्रॉकली वेवलेंथ, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और इसके टर्म में अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे 25.6 और ये जो अंडर रूट एम आपको दिख रहा है, इट इज अ मोलर मास इन एएमयू, मोलर मास इन एएमयू किसका, जो भी गैस होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, जो भी गैस होगा उसका मोलर मास है यहाँ पे, ठीक है। और टी जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है, आसानी से पुट कर सकते हो। अगर रिलेशन पूछा जाए तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो ये रिलेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से किसी भी वेवलेंथ, जो गैस मॉलिक्यूल है उसमें जो डी ब्रॉकली वेवलेंथ होगी वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक तो मोलर मास पे डिपेंड करेगी, आप देख रहे हैं मोलर मास पे डिपेंड करेगी, और एक टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पे। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हुए दो गैसेस डिफरेंट डिफरेंट मोलर मास की ली जाए तो वो उस केस में फॉर्मूला आएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम 2 अपॉन एम 1। अगर मोलर मास सेम हो, टेम्परेचर वेरी कर दिया जाए, तब भी यही फॉर्मूला आएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 अंडर रूट ऑफ टी 2 अपॉन टी 1, यही फॉर्मूला निकल के आएगा। तो इसी रिलेटिव फॉर्मूले पे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, बस इसके बाद लेक्चर खत्म हो रहा है, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, सपोज कर लीजिए एक पार्टिकल है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, एक आर रेडियस के पाथ पे घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है वो आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दैट इज एच अपॉन एम बी, दैट इज इक्वल टू क्यू बी आर। कैसे आया यहाँ पे एम बी कैसे आया, तो हमें पता है जो बोहर रेडियस है, जो बोहर रेडियस है यहाँ पे R is equal to होता है एम बी अपॉन क्यू बी, तो यहां से हम एम बी मोमेंटम निकाल सकते हैं इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू क्यू
बी इंटू आर यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रिलेट किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम रिलेट कर रहे हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स में, मतलब मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में बी पता है, आर पता है, क्यू पता है, एच पता है, तो आसानी से वहां पे हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर पाएंगे। याद रखिए, घबराइएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चंस यहां बनेंगे और आप आसानी से माइंड को थोड़ा कंसंट्रेट करके सोचिएगा तो आसानी से आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज कर लीजिए मोमेंटम को 2% डिक्रीज किया जाता है, अगर मोमेंटम को 2% से डिक्रीज किया जाए तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन लैम्डा, लैम्डा में परसेंटेज चेंज बताइए क्या होगा। तो अगर यहां पे देखा जाए तो यहां दो तरीके हैं करने के, एक तो डिफरेंशिएशन के बेसिस पे और एक लॉग लेके। अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन के बेसिस पे डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन एच माइनस डेल्टा पी अपॉन पी। क्यों? क्योंकि यहां पे डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहां पे माइनस साइन आएगा, माइनस डेल्टा पी अपॉन पी। एरर एरर एनालिसिस के बेसिस पे यहां इसमें डिक्रीमेंट है इसलिए यहां माइनस आ रहा है। तो यहां पे तो कोई चेंज होगा नहीं, क्या डेल्टा एच में कोई चेंज हो रहा है, प्लैंक कांस्टेंट चेंज होगा नहीं, तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ परसेंटेज चेंज इन दिस। तो क्या होगा अगर ये 2% से ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन पी क्या है, माइनस है, ये माइनस दे देगा हमारा प्लस। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इस तरीके से कर सकते हैं, लॉग लगा के डिफरेंशिएशन करिए और ऐसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 2%, काइनेटिक एनर्जी अगर 2% इंक्रीज की जाती है, फाइंड द चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ वेवलेंथ का रिलेशन क्या है दिस। तो अगर काइनेटिक लैम्डा डिक्रीज किया जाएगा 1% से, देखो यहां पे अंडर रूट है कि नहीं, अंडर रूट है, तो जब हम एरर एनालिसिस में लिखते हैं तो अंडर रूट जो होता है, अगर एरर लिखेंगे डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, तो सिंस यहां पे देखिए, आप यहां से ध्यान से देखिए, ये डिनोमिनेटर में है, एच में तो कोई चेंज होगा नहीं एरर एनालिसिस में, तो किस में चेंज होगा, के में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें जीरो चेंज, मास में भी कोई चेंज नहीं है, तो किसमें चेंज है, इसमें चेंज है, तो जगह माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पे पावर जो होती है वो आगे आ जाती है एरर एनालिसिस में, और ये डेल्टा के अपॉन के, डेल्टा के अपॉन के क्या था, ये इंक्रीज था, ये क्या रखेंगे प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक देख सकते हैं, और वैसे भी रिलेशन से भी देख सकते हैं, अगर ये इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा। दिस इज ऑल अबाउट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये PDF मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा और इसको पढ़ लेंगे, यहीं पे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेनली ग्राफिकल क्वेश्चन, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो ऐसी क्वेश्चन होती है उसपे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे नहीं जाते हैं। थैंक यू सो मच, इसको पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही आएगा। धन्यवाद।